हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के रजिस्टर को हम लोग कैसे तैयार करते हैं। जब कभी आपको पीपीई इशू करना होता है तो उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम लोग पीपीई रजिस्टर तैयार करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब कभी आपके साइट पे कोई नया एम्प्लॉय या फिर नया वर्कर आता है तो ये हमारी कंपनी की जिम्मेवारी बनती है सेफ्टी नियमों के अकॉर्डिंग उसे प्रॉपर पीपीईज प्रोवाइड कराना। तो जब कभी कोई नया पर्सनल नया एम्प्लॉय हमारे साइट पे आता है तो यह हमारी जिम्मेवारी होती है उसे प्रॉपर पीपीईज हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो उसके लिए एक पीपीईज इशू रिकॉर्ड होता है, एक रजिस्टर बनता है जो कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा उसे तैयार किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डीपली समझते हैं। तो सबसे पहले, जब कभी आप पीपीईज के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए रजिस्टर तैयार करने वाले हैं तो सबसे पहले आप हेडिंग में डालेंगे पीपीईज इशू रिकॉर्ड, यानी जब कभी आप पीपीईज इशू कर रहे हैं तो उसके रिकॉर्ड को हम लोग मेंटेन करते हैं। तो हेडिंग में आप क्या डालेंगे, पीपीई इशू रिकॉर्ड। उसके बाद साथ ही साथ आप स्टार्टिंग करेंगे कुछ कॉलम्स है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप सीरियल नंबर डालेंगे, सीरियल नंबर क्या है, कितने बंदे को, कितने एम्प्लॉय को आपने पीपीईज प्रोवाइड कराया है, पीपीईज इशू कराया है। उसके बाद आप नेम डालेंगे, जो भी एम्प्लॉय है जो भी वर्कर है उसका नेम डालेंगे, उसका नाम क्या है इस कॉलम में, नेम वाले कॉलम में आप लिखेंगे। नेक्स्ट है डेसिग्नेशन, उसका डेसिग्नेशन क्या है, जो भी एम्प्लॉय जो भी वर्कर आपके कंपनी में आया है उसका डेसिग्नेशन क्या है, वो हेल्पर है, टेक्नीशियन है, कटर है, वेल्डर है, वो क्या है उसके डेसिग्नेशन को आप लिखेंगे। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग डेट, जो एम्प्लॉय आपके कंपनी में नया आया है, जो वर्कर आया है वो किस डेट को आया है, उसका ज्वाइनिंग डेट क्या है, आप प्रॉपर ज्वाइनिंग डेट लिखेंगे। साथ ही साथ जिस एम्प्लॉय को हेलमेट्स इशू किया गया है, शूज़ इशू किया गया है, रिफ्लेक्टिव जैकेट इशू किया गया है, तो अगर हेलमेट्स इशू किया गया है तो किस डेट को किया गया है, और साथ ही साथ उस एम्प्लॉय के उस वर्कर के सिग्नेचर को ज़रूर लें। नेक्स्ट है अगर शूज़ इशू किया गया है तो वो किस डेट को किया गया है और उसके सिग्नेचर को आप ज़रूर लें। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव जैकेट, किस डेट को आप इशू कर रहे हैं और उसके सिग्नेचर को आप ज़रूर लें। नेक्स्ट है अदर इशू, अगर मान लीजिए इसके अगर और कोई चीज़ इशू होता है, जैसे ग्लव्स हो गया, गॉगल्स हो गया, ईयर प्लग हो गया, तो वो चीज़ हम लोग अदर्स में लिख सकते हैं और साथ ही साथ उसके सिग्नेचर को और डेट को ज़रूर लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे उस रिकॉर्ड रजिस्टर में। नेक्स्ट है रिमार्क, जो पीपीईज आप एम्प्लॉय को वर्कर को दे रहे हैं वो पीपीईज का कंडीशन क्या है, कैसा है, उसके बारे में आप मेंशन करेंगे रिमार्क में। तो ये था पीपीईज यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के, जब कभी आप इशू करते हैं तो उसके रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।